नमस्ते दोस्तों, आप सभी को स्वागत है पूछ के फैमिली में। आज हम आप सभी के लिए शेयर करने वाली हूँ डबल लेयरिंग पिज़्ज़ा रेसिपी। तो चलिए देख लेते हैं पिज़्ज़ा बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। तो हम पहले ले लेंगे एक कप मैदा, उसे अच्छे से चाल लेंगे। फिर देंगे बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, नमक, उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे मैदे के साथ। अब लेंगे बटर, बटर को अच्छे से मैदे से मिक्स कर लेंगे। अब दही ले लेंगे और उसे मैदे से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही से पहले मैदे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी मिला के मैदे को अच्छे से छान लेंगे। एक सॉफ्ट डो बहुत ही ज़रूरी है पिज़्ज़ा के लिए। सॉफ्ट डो बनके तैयार है। अब 2 चम्मच ऑयल लेके उसे भी मैदे से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैदे को तेल लगा के 10 से 15 मिनट तक रेस्ट करने देंगे सेट होने के लिए। मैदा बहुत अच्छे से सेट हो गई। अब इसे हाथों से मसल लेंगे। उसके बाद मैदे को 4 बॉल्स में डिवाइड कर लेंगे। अब एक पैन में थोड़ा सा ऑयल हाथों से अच्छे से लगा दिया। फिर एक बॉल्स लेंगे और उसे पैन में अच्छे से चारों तरफ फैला देंगे हाथों के मदद से। एक पिज़्ज़ा बेस टाइप कर लेंगे। फिर उंगली से ऊपर हिस्से को ऊंचा कर लेंगे और एक फॉर्क लेकर मिडिल में होल कर लेंगे। फिर देंगे टॉपिंग सॉस और मायोनीज़। उसे अच्छे से चम्मच से पूरा पिज़्ज़ा बेस के ऊपर लगाएंगे। और फिर एक स्लाइस चीज लेकर उसके ऊपर दे देंगे। फिर और एक बॉल्स को अच्छे से हाथों के मदद से एक बेस बना लेंगे और उसके ऊपर दे देंगे। फिर एक फॉर्क लेंगे और उसके मिडिल पे छेद कर लेंगे। उसके बाद उसके ऊपर दे देंगे पिज़्ज़ा सॉस और अच्छे से बेस के ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। उसके बाद दे देंगे बहुत सारे ग्रेटेड चीज़। फिर डालेंगे ऑनियन, टमाटर, कैप्सिकम, आप और कुछ भी डाल सकते हैं जैसे स्वीट कॉर्न, चिकन। फिर उसके ऊपर डाल देंगे फिर से बहुत सारी चीज़। अब डालेंगे चिली फ्लेक्स और डालेंगे ऑरिगेनो। अब इंडक्शन में पहले से लो टू मीडियम पे रख देंगे 5 मिनट तक। उसके बाद लो में कर देंगे 15 मिनट तक। और एक स्टाइल में हम पिज़्ज़ा बनाएंगे। उसके लिए सेम प्रोसेस में पिज़्ज़ा बेस तैयार कर लेंगे।
करके हमें दो स्टाइल में पिज़्ज़ा रेसिपी को आप सभी के सामने ले आई। गैस के ऊपर तवा गरम होने के लिए दिया, उसके ऊपर डाल देंगे फिर से पिज़्ज़ा वाला पैन और छोड़ देंगे कुक होने के लिए 15 मिनट तक। और इस पिज़्ज़ा बिल्कुल तैयार हो गई है और ये पिज़्ज़ा भी थोड़ा बहुत हो गई है। रेडी हो गई है हमारा इंडक्शन पिज़्ज़ा। इसके ऊपर डाल देंगे मायोनीज सॉस और पिज़्ज़ा कटर की मदद से इसे काट लेंगे। देखिए कितना अच्छा रेडी हो गई है और हमारा तावा पिज़्ज़ा भी रेडी है। इसके ऊपर मायोनीज सॉस और सॉस डाल के ओरिगैनो चिली फ्लेक्स डाल के इसे बहुत अच्छे से काट लेंगे। कोल्ड ड्रिंक्स के साथ पिज़्ज़ा जस्ट यामी। एक टू स्टाइल पिज़्ज़ा रेसिपी में आपको कौन सी रेसिपी आसान लगी वो आप कमेंट पे ज़रूर बताएं, और आपकी फेवरेट पिज़्ज़ा कौन सी है वो भी आप कमेंट पे ज़रूर बताएं। मैं अपनी अगली वीडियो पे उसे और भी आसान बना के आपके सामने पेश करेंगी।